हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए, हमें लेडीज़ के लिए जो हाफ जैकेट बना रही हूँ मैं, कॉलर वाली, उसकी आपको मुंडे की ये बनाना बताऊंगी मैं कि हमने कितने फंदे उठाने हैं और कितनी सिलाइयाँ हमने मुंडे की बनानी जो परफेक्ट रहती है उतनी मैं ये आपको बताऊंगी। तो एक साइड मैंने बना ली है और दूसरी साइड में आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने खुला छोड़ना है, पहले सिलना नहीं है इसको। और ये देखिए, 45 फंदे हम एक साइड से उठाएंगे बैक पार्ट से और 45 फंदे हम दूसरी साइड से, और जो बीच में हमारा ये मुंडे जोड़े हैं हमने वहाँ से एक फंदा, तो 91 फंदे हम टोटल उठाएंगे इसमें। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। ये देखिए, जहाँ से मुंडे की कटाई हमने स्टार्ट करी है वहाँ से उठाएंगे एक फंदा। और यहाँ पे इस धागे को इसके साथ गांठ लगा देंगे यहाँ पे एक, और हर एक में लूप में से एक एक फंदा हम यहाँ से उठाते जाएंगे, कोई भी हमने छोड़ना नहीं है। सब में से इस तरह से ये जो हमने घटाए फंदे, यहाँ पे थोड़ा टाइट होता है, आगे फिर आराम से उठ जाते हैं फंदे। तीन, इस तरह से 45 फंदे उठाएंगे हम बैक पार्ट से। चार, पांच, छः, दस। तो यहाँ तक मैं ये देखिए, यहाँ तक मैं ये मुंडे की कटाई तक के फंदे उठा लेती हूँ, जहाँ पे हमने मुंडे जोड़े हैं यहाँ तक हमें 45 फंदे, 45 फंदे उठा लेते हैं। एक फिर मैं यहाँ बीच में से उठाऊंगी, वो मैं बताती हूँ आपको। तो ये ऊपर तक मैं उठा लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ तक हमारे 45 फंदे हो गए। अब देखिए, इन दोनों का जो जोड़ है यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे फिर इसके आगे से, फिर हम 45 फंदे उठाएंगे लास्ट तक इस तरह से, हर एक लूप में से एक एक फंदा। तो ये मैं आगे भी उठा लेती हूँ 45, फिर आपको आगे बनाना बताती हूँ। बस इसी तरह से हमने सीधी सिलाई से उठाना है। 91 फंदे होने चाहिए हमारे पास ये टोटल। अगर फ्रेंड आपका हाथ थोड़ा टाइट है और धागा थोड़ा पतला है तो आप यहाँ पे 98 तक फंदे उठा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। 100 फंदे हमारे यहाँ पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हाथ थोड़ा लूज है इसलिए मैंने यहाँ पे ये 91 फंदे ही उठाए हैं, और टाइट टाइट अच्छी लगती है बाजू जो हम हाफ बनाते हैं। तो इस तरह से मैं ये फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे आपको बनाना बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक सभी फंदे मैंने उठा लिए हैं। अब इसके बाद हम एक फंदा सीधा एक उल्टा, देखिए पहला फंदा हम वैसे उतारेंगे, एक सीधा एक उल्टा। इस तरह से हमें 8 सिलाइयाँ लगा देंगे यहाँ पे सीधी उल्टी दोनों साइड से। फिर 9वीं सिलाई पे फिर मैं आपको ये बंद करना बताऊंगी किस तरह से हमने बॉर्डर के फंदे बंद करने होते हैं। तो बस इस तरह से मैं ये दोनों साइड से बना लेती हूँ। जो फंदा हमने उल्टी सिलाई पे सीधा दिखे उसको सीधा बनाना है, जो उल्टा दिखे उसको उल्टा, और वैसे ही हमने सीधी सिलाई पे भी करना है। इस तरह का बॉर्डर बहुत ही सुंदर बन के आता है। ये देखिए, बस इस तरह से मैं ये बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको, बंद करना बताती हूँ।
बहुत इजी है, आगे तो बस उठाने में दिक्कत आती है कि कितने फंदे उठाने चाहिए, कितने होने चाहिए, और फिर बंद करना। बीच में आप जो भी डिजाइन बनाना चाहते हो, उल्टे उल्टे का, सीधे सीधे का, वो आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर का डिजाइन बना रही हूँ, तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, 7 सिलाइयाँ, और 8वीं पे हम इसको बंद करेंगे, ये सॉरी 9वीं पे इसको बंद करेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा हमने वैसे उतारा, ये हमारा सीधा है, तो धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे और फिर पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। अब धागा आगे करेंगे, ये उल्टा है, इसको उल्टा बनाएंगे, फिर पीछे वाला इसके ऊपर से उतार देंगे। जो फंदा हमारा सीधा है वैसे ही उसको बनाएंगे और पीछे वाला उसके ऊपर से उतारते जाएंगे। देखिए ये उल्टा है तो इसको हमने उल्टा बना लिया, ये सीधा है इसको हम सीधा बनाएंगे, पीछे वाला इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। इस तरह से हमें सभी फंदे बंद कर देंगे। बहुत इजी है बनाना, मुश्किल नहीं है, ऐसे लगता है कि मुश्किल होगा, तो बिल्कुल इजी है, और इजी तरीके से मैंने इसको आपको बनाना बताया है। उल्टा सीधा उल्टा सीधा, जिस तरह से हमने बॉर्डर बनाया था वैसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमारा ये पूरा बंद हो जाएगा पूरा बॉर्डर, और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से बन के आया ये। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए ये सीधा है तो इसको सीधा बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया, धागा आगे करा, ये उल्टा है इसको उल्टा बना। तो ये मैं पूरे बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको। और ये देखिए पीछे से हमारा ये बंद होता जा रहा है, ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर बन के आता है ये फ्रेंड। तो ये मैं पूरा बंद कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, लास्ट में हमारा एक फंदा बच गया, तो हमने धागा आगे से काट लिया, और अब हम इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे इसको, यहाँ पे एक टाइट सी गांठ लगा देंगे। बस ये देखिए ये हमारी आर्म होल का बॉर्डर बन गया। बस इसको फिर हम इकट्ठा सिलेंगे, जिस तरह से स्वेटर सिलेंगे वैसे इसको सिल देंगे नीचे तक। बहुत इजी है इस तरह से। तो एक बार इस वाले बॉर्डर को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।